जिंदगी में अगर कुछ बन गई ना, तो एक चीज को अपने पास कभी नहीं आने दूंगी, जिसे हिंदी में घमंड, उर्दू में गुरूर और इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। बोला कैसे हो? अच्छे हो? बोला आ जाओ, बोला आ जाओ। फोन कहाँ है आपका? बोला हाँ जाओ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रू बी। सो मैं बस अभी किचन में थी और मैं कर रही थी, यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं, यहाँ पे दाल भिगो के रख दी है और दो तीन चीज और करनी है। ये देखो हमारी छोटी ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अच्छा अभी जानती नहीं है ना कि ये नकली फोन है असली फोन है, जब पता चलेगा तब देखना फिर इसको। बाल नहीं बना पाई हूँ मैं, किचन में चली गई थी, एक बज गया और मैं बस ऐसे अपना टोनिंग वगैरह करके और अपना काजल लगा के बिंदी लिपस्टिक लगा के, सुबह से बारिश नहीं थी, अभी हल्की सी स्टार्ट होगी और आज हमारा फाइनली बैड आने वाला है, फाइनली आज आ रहा है। उसको इतने दिन से हम लोग बोल रहे हैं, तब से अब बेड आ रहा है और वो बोल रहा है कि फाइनली दो घंटे में आ जाएगा, तब बोला था दो घंटे पहले, अभी तक आया नहीं है, बट जब आ जाएगा तब पता चलेगा। हाँ ठीक है आप करो। कपड़े उपड़े धो के मैंने यहाँ पे देखे सुखाने डाल दिए सारे और अब बेड आ जाएगा, अब मेरा घर जो पूरा सेट होएगा अच्छे से। अभी तक तो कोई चांस नहीं दिख रहा, कितना चीख रही है लड़की। क्या है? आ जाओ। अच्छा आप बैठो, मैं आ रही हूँ अभी किचन से, ठीक है? आ रही हूँ। सो बस यहाँ पे हम लगा देंगे शायद अपनी गद्दी, अभी तो यहीं डालेंगे फिलहाल में, फिर जब सामान सेट हो जाएगा फिर देखते हैं हम किधर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अभी तो मैं इधर ही लगाने वाली हूँ, उधर से उठा के इधर, फिर उधर बेड सेट हो जाएगा। और कल का जो मेरा शाम को ना तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, हम उधर में खाने जाने वाले थे बट मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कम से कम एक हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ कि मुझे इवनिंग में, इवनिंग होते ही मेरा जो सर फटने लगता है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों कल उधर जाने वाले थे फिर हम नहीं गए और थोड़ा सा इनसे फिर मेरा झगड़ा हो गया। ये बोले चल, मैंने कहा मेरे से नहीं जाया जा रहा, मैं कैसे चली जाऊँ, और फिर हम लोग नहीं गए और फिर रात को यहीं पे बना के खाया। और देखते हैं, इधर ये फोन रखा है मेरा, एक बारह कितना बज रहा है, देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी आ रहा है फाइव बारह और नीचे, मतलब एक बजने वाला है, बस एक सेकंड कम है, एक मिनट कम है, सॉरी। सो बस तो अभी पिट्टू खाओगी मम्मा के हाथ से और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने चादर भी चेंज किया। अब सब चेंज करना है, सब कुछ करना है, बस वेट कर रही हूँ कब आए, कब मुझे खुशी मिले बेड आ गया फाइनली। और मैंने इस तरीके का लिया है ताकि ना तो गंदा मालूम पड़े ना ही, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के होते हुए ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। मतलब अगर पीछे वो सोफा टाइप लगा रहता है ना, वो मैं नहीं ले सकती थी, अगर वो मैं लेती ना तो टैनी जो है चीर फाड़ कर देती, क्योंकि बच्चों वाले घर में वो नहीं देख पाते। या तो आपको सिर्फ बच्चे पे ही ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना तो आप कर सकते हो, मैं उधर काम करती हूँ इधर रहती है, कब क्या कर दे फाड़े, उससे अच्छा तो ऐसी चीज़ लो जो बच्चा ना काम बिगाड़े और बच्चे को भी डांट लगती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। सो चलिए मैं खाना पीना खाती हूँ और फिर मैं खाती कह रही बनाती हूँ, उसके बाद से मिलते हैं आपसे। गुंडा गुंडा पाला गुंडा छोना गुंडा गुच्चा हो गया है, इतने जो अच्छे मुंह देखोगे इसका, देखो गुच्छा है, गुच्छा गुच्छा नौटंकी, मम्मा किचन नौटंकी। सो गाइज मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन में काम, मैं आ गई हूँ एक्चुअली यहाँ पे, मैं बनाने जा रही हूँ भजिया
भजिया, यानी कि बारिश हो रही थी बाहर, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज की भजिया। भजिया हाँ, एक तरह से भजिया बोलते हैं यहाँ पे, प्याज की चप बोलते हैं। और ये बोले चलो चाय मैं बनाता हूँ, तुम भजिया बनाओ। शाम का 5:30 हो रहा है, टेनिस हो रही थी इसलिए हम दोनों किचन में, वरना एक किचन में एक रूम में ऐसे होता है। तो बस ये किचन में चाय बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ प्याज की तैयारी कर रही हूँ। उधर मैंने बेसन बेसन घोल के रख दिया है, और इधर मैं जो है मैं प्याज कट कर रही हूँ। और कभी कभी हेल्प करा देते हैं, और कभी कभी बोलने से भी नहीं कराते हैं। मर्द लोग कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होते हैं शायद, तो पत्ती को ऐसा नाप तोल के डाल रहे हैं ना कि पूछो मत। और बीच में गुस्सा भी दिला देते हैं, काम इतना ख़राब कर देते हैं। ये जो गैस है हमारा, इस पे ग्लास है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे देखना आप, क्या करेंगे हरकत, इनके हरकत देखो। जबकि मैं इनको बोल चुकी हूँ कि नॉन स्टिक बर्तन में कभी भी करछी में, चलो इन्होंने पूरी कढ़ाई कल ख़राब कर दी, ठीक है? अभी ये अदरक का कर रहे हैं, और अदरक का करते करते देखना चाहें क्या करेंगे कि उसको ठोक रहे हैं। मैंने एक बार मना किया, दो बार मना किया, नहीं समझ में आएगा, देखना फिर ठोकेंगे वहीं पे। मैं मना कर रही हूँ फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा, और मैं बोल रही हूँ वो ख़राब हो जाएगा, ग्लास पे अगर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो निकल जाएगा। मैंने कहा क्या होगा फिर, मैंने कहा बेकार हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे भजिए सेकने, मेरा तैयार ही हो गई थी, बोल रहे हैं आए फ्रेंड्स भजिए खा लो चाय पी लो। मैंने कहा बाद में बोलना जब मैं इसमें म्यूट रहेगी आवाज़, पीछे से अभी मत बोलो और बाद में बोलना। और वैसे भी एक ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि बंगला में बुलवाना जीजू को, तो देखो बोल रहे हैं फ्रेंड्स चाय पी लो भजिए खा लो। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा प्लीज़ बंगला में बोलना, लेकिन फिर अभी नहीं बाद में। तो वो चाय बना के चले गए, मैं सेक रही हूँ अपने भजिए, और भजिए का भजिए बन रहा है, और बरसात के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। भजिए हमारे बन के रेडी हो गए थे, ये वहाँ जा के लेट गए थे, मैं चाय लेके गई और भजिए लेके गई। टेनु सो ही रही है अभी तक, उसका सोना बस शाम 7:30। चाय पी लो फ्रेंड्स, भजिए भी है। बंगला में बोलो, बंगला में, अरे बंगला में बोलो ना, जैसे बोलते चाय की और भजिया की, और बंगला बोलो ना। कौन दे याची याची जाची मुनी याची केना। शाम 7:30 बजे तक तेनी का सोना चला है और सो ही रही है, वो उठी नहीं थी। और बाहर बारिश हो रही थी बहुत ही अच्छी वाली, और यहाँ हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं चाय भजिया और मुड़ी। यहाँ बंगाल में मुड़ी चप खा, चप से मुड़ी खा ही लेते हैं ये लोग, तो बस मुड़ी खा रहे हैं ये, और इनको बहुत पसंद है ये सब खाना। That's it. सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, आज 16 अगस्त है, और आज मुझे है ना विनर अनाउंस करने थे गिव अवे के, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी, सच बताऊँ तो। और भूल इसलिए गई थी क्योंकि रक्षाबंधन एंड मुझे वहाँ मीट एंड ग्रीट में जाना, इन सब के चक्करों में भूल गई, और आप लोगों को पता है तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही चल रही है। तो जब मुझे आज कमेंट आया तो मुझे बोला कि विनर कब बताओगे, तो मैं बोला कल बताऊंगी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो आज के वीडियो में जब कमेंट आया सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, जो जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों ने किया। एंड मैं ये नहीं कहूँगी किसने अच्छा किया किसने नहीं किया, बट विनर तो 3 बनने थे, राइट?
बहुत अच्छा रहा, और जिन जो नहीं जीते हैं उनको भी नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बट सबने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। किसी किसी ने रूल फॉलो नहीं किए, मतलब जैसे कि मैंने बताया, या किसी को समझ नहीं आया। जैसे कि मैंने जब बताया था कि स्क्रीनशॉट लेके जो लिंक था उसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तो किसी ने क्या किया, जो मेरे लिंक हैं उनके ही स्क्रीनशॉट दे दिए हैं। मैंने बोला था लिंक क्लिक करके, ठीक है। और किसी किसी ने एवरीडे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका स्क्रीनशॉट दिया है। किसी ने जो मैं एवरीडे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिंक देती हूँ वो स्क्रीनशॉट दिया है। तो ये कुछ गड़बड़ किसने किया है, बट जो टोटल प्रॉपर वे में किए हैं वो प्रॉपर में नहीं, किसी ने दो दिन, मतलब जैसे मैंने बोला था एवरीडे फाइव करना है, ठीक है, तो किसी ने दो किया है एवरीडे, किसी ने तीन किया है। तो ऐसे करके 25-26 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 90 एकदम नहीं बोलेंगे, मतलब परफेक्ट है। और यहाँ पे सिलेक्शन के नाम लिखे जा रहे हैं, ये देखिए केस नाम लिखे जा रहे हैं जो जो पार्टिसिपेट में। 7 लोग मैंने, मतलब 90 लोग थे जिन्होंने अच्छा किया है, और 19 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एकदम परफेक्ट किया है, एकदम परफेक्ट। और मे भी हो सकता है किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी इसलिए मैंने नहीं किया, तो सिलेक्शन नहीं किया। तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि हमने भी तो ऐसे ही परफेक्ट किया था तो आपने हमारा क्यों नहीं लिया। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के में मिस्टेक रही होगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो कोई मेरा ये नहीं है कि भैया मैं, मेरे बहन भाई हैं या ऐसा है तो मैं उनको ही दे रही हूँ, अपने अपनों को। सारे मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, तो सब्सक्राइबर में से मैं पहले उन लोग लिख लिए सारे, तो जितने भी हैं मैं पहले सबका नाम बोलूँगी, किन किन ने जो किस किस ने अच्छा अच्छा किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7 स्लिप में से थोड़ा सा रोल चेंज करेंगे कि टेनी जो उससे उठाने वाले थे तो टेनी के पापा उठाएंगे, वही नाम लिख रहे हैं सारे विनर्स का, और वही उठाएंगे जिसमें से 3 विनर होंगे 7 में से। जो 7 हैं वो बेस्ट हैं, जिन्होंने एकदम परफेक्ट किया है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग अगर सेम क्लिक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग भी जिन लोगों ने परफेक्ट 5-5 क्लिक भेजे हैं, किसी ने 2-2 भेजे हैं, किसी ने 3-3 भेजे हैं, उन लोगों का कुछ मिस्टेक हुआ है वो मुझे पता चला है, इसलिए मैंने उन लोगों का नहीं किया। बट कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे किए, मैं आपका नाम लेती हूँ, ओके। कई रिक्वेस्ट आती हैं, हमारे बेटे का बर्थडे है, सो मैं ये इतने सारी प्रॉब्लम्स, ये सब फेस्टिवल ये वो मैं भूल गई, बट ये मुझे बहुत बारी बोली हैं और मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो इनका नाम है कोलकाता ब्लॉगर, ब्लॉगर नहीं है ये, कोलकाता ब्लॉगर रेणु तिवारी तिवारी, तो ये बोल रही थी मेरा नाम लो, तो मैंने ले दिया। और आप लोग नाम के लिए बोलते हो, भूल जाते, सच में नहीं याद रहता, पूरा दिन का व्लॉग बनना, बच्चों को संभालना, घर संभालना, फिर ये सब नाम नहीं हो पाता, भूल जाते, इसलिए प्लीज़ मत किया कीजिए रिक्वेस्ट नाम के लिए। तो मैं बता दूँ पहले कि किस किस का जो लोग हैं जिन जिन ने बेस्ट किया था उनके नाम लेके बताती हूँ मैं। तो आरती हिवाले, हिवाले ऐसे करके आरती नाम है इंस्टाग्राम पे। पूजा 9076 और शशि 07 शशि, जोरा जोरा जानवांदा, जानवांदा ऐसे ही कुछ नाम है। मनप्रीत 8620, नीति शर्मा मावरात माविराट, जसमीत जसमीत 2955, सावरिया सना, जो भी है सना है। और हिमानी सोटी, एक तो इंस्टाग्राम के नाम समझ में नहीं आते, श्रीवास्तव 6552, श्रेया सिंह, तमन्ना यादव, सिमरनजीत कौर, श्रेया 436, पूजा कोहली 927, खुशी गुप्ता, राठौड़ भाग्या, किट्टू प्रज्ञा, मनीषा तिवारी, ये नाम है जो 19 नाम मैंने लिए हैं, इन लोगों ने अच्छा किया है। बट इनमें से जो 7 लोग हैं जिन्होंने परफेक्ट किया है, उनका क्लिक जो क्लिक बाय क्लिक मैच हुआ है, उन्होंने डे बाय डे क्लिक भी किया है। बाकी के 19 में से जो 7 हटा के बाकी के जो लोग हैं उन्होंने क्लिक्स में भी कुछ मिसमैच किया है। अब जानबूझ के नहीं किया तो हो गया जो भी है,
तो अब मैं बताती हूँ इनमें से सिलेक्शन किस किस का हुआ, 7 में से, जिसमें से विनर जाएंगे 3, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट 3 तो अपने मर्जी से नहीं चुन सकती थी, जो जो मुझे, तो यहाँ पे सना, अब ये सावरिया सना जो भी है, सना करके आई थिंक ये सना है, पूजा 9076, अपना नंबर नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, आरती हिवाले, नितीश शर्मा माविरात, सिमरनजीत कौर और पूजा कोहली 927 और खुशी गुप्ता, ये 7 नाम मैंने जो है सिलेक्ट किए हैं, जिनका स्लिप किसके पास है, तैनी के पापा के पास, दिखाओ इधर ये, ठीक है, अभी ये ऐसे शेक करके और यहाँ डालेंगे इस तरीके से, अभी शेक करके डालेंगे, इसमें से 3 स्लिप ये उठाएंगे, जो भी 3 विनर होगा उसका नाम मैं यहाँ दिखा दूंगी। मैंने जो लास्ट में नाम बोले हैं 7 सना से स्टार्ट करके, वो लोग विनर हैं, वो लोग विनर नहीं मतलब उनमें से विनर 7 नाम मैंने ये वो 7 नाम लिए हैं, डालो, हाँ डालो और उठाओ, डालना तो ऐसे है जैसे ईदे बरस रहे हैं, अभी उठाओ तीनों, पहले हाथ में ले लो, फर्स्ट वाले का नाम बोलना है, हाँ फर्स्ट वाला उठाओ, क्योंकि फिर तीनों हाथ में लोगे तो मिक्स हो जाएगी, ये क्या है अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोम, ठीक से जल्दी करो ना, अच्छा फर्स्ट है, नाम खोलो, नीति शर्मा फर्स्ट, मैं दिखा देती हूँ फोन में, दिखा देती हूँ मैं कौन है नीति शर्मा, ताकि उनको याद रहे, एक मिनट, काम गया, ये काम गया यार, ये वाली जो है इनका फर्स्ट आया है, ये नीति शर्मा विराट करके जो है इनका नाम है इंस्टाग्राम पे, तो फर्स्ट है, और यहाँ लिख लो सुना साइड में, नहीं तो याद नहीं रहेगी, फर्स्ट लिख लेना, ठीक है, फर्स्ट ये हो गई, अभी सेकंड और थर्ड उठाओ, अभी सेकंड उठाओ, अगर हम तीनों साथ में उठा लेते ना तो फिर क्या होता कि मिसमैच हो जाता, पता नहीं चलता फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, अभी सेकंड सना, सना सावरिया करके जो मैं बोली थी वो है सेकंड, मैं बता देती हूँ कौन है, एंड प्लीज बाकी के लोग बुरा नहीं मानेंगे, प्लीज कहाँ गए, मैंने स्क्रीनशॉट सबके लेके रखे थे, ए सना करके इनके स्क्रीनशॉट हैं, ये रख लो इधर, लिख लिया ना, एक मिनट मैं दिखा दूं, ये इनका डीपी है हस्बैंड के साथ, ठीक है चलो, ओके गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक्चुअली हमने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड विनर तीनों चूज कर लिए थे, बट मैंने तीसरा विनर काट दिया इसमें से, बाद में आपको ये दिख बता रही हूँ मैं कि कौन है विनर, एक्चुअली वो इसलिए काट दिया क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहाँ पे जो देखा जिन्होंने जो थर्ड विनर था हमारा, उन्होंने सिर्फ मतलब स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बट जो उनका स्क्रीनशॉट था उनका जो क्लिक्स था वो भी कम गया था, और जो उनका स्क्रीनशॉट था मेरा बाद में चेक किया, कन्फ्यूज़न हो गया था, एंड आई रियली सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने सिर्फ डे बाई डे एक या दो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मैंने कहा ये तो गलत है, जिन्होंने 5-5 एवरी डे भेजे उनका नाम होना चाहिए, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, ये विनर है, तो फर्स्ट वाला मुझे पूरा अपना एड्रेस एंड डिटेल भेज के अपना 5 मन पसंदीदा प्रोडक्ट, उसमें से जो भी शेड हो, आई शेड हो, लिप लाइनर, काजल, जो भी मैंने लिंक दिए थे वो भेज सकता है, सेकंड और थर्ड वाले अपना मन पसंदीदा एक एक भेज सकते हैं, बाकी का मैं भेजूंगी, एंड जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रात को मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि रात को मैंने 12:30-1 देखा था ये चीज़ कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मैंने सोचा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही मैं ये वीडियो कर दूंगी, सो वो विनर थर्ड विनर जो है मैंने अपने बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनको बनाते हैं क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था, और वो भी चूज़ मेरे हस्बैंड ने किया था, मैंने नहीं किया है, तो इसलिए मैंने जो थर्ड विनर था मैंने उनको काटा, क्योंकि उनका जो मतलब गलती हो जाती मेरे से, ये गलत होता फिर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पूरा पूरा भेजा और उनका नाम तक नहीं आया, सो ठीक है बाय, होप आप लोग समझोगे
लेकिन इसमें कोई चीटिंग नहीं है। अगर मैं आपको, ये तो मुझे ही पता है कि किसने कितना भेजा है किसने नहीं भेजा है, तो वो गलत था, इसलिए गलत तो विनर नहीं बन सकता है। एंड कोई बात नहीं, जो नहीं बना है वो नेक्स्ट टाइम बनेगा। एंड आई एम रियली सॉरी, जो जो विनर नहीं बने मेरे हाथ में, तो नहीं है ये विनर बनाना मेरा, बस चले तो मैं सबको बना दूँ, बट अभी इतना नहीं है। अभी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक विनर बनाया था, फिर मैंने अभी 3 बनाए, आगे हो सकता है 5 या 10 विनर बनाऊँ, तो ऐसा करके करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, अगले महीने या उससे अगले महीने फिर से हम करेंगे, तो वहाँ पार्टिसिपेट। Bye-bye.